हे गाइज़, वेलकम बैक ऑन आर चैनल प्रियंका फैमिली ब्लॉग। सो फाइनली आज ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है अगस्तिया से, क्योंकि बहुत लोग मिस कर रहे थे, तो आज मैंने सोचा चलो उसकी कुछ एक्टिविटी शेयर कर। अरे वाह, मेरे बेटे ने बनाया, वेरी गुड। ये तीन लाइन बनाई ना बेटा, एक और लाइन खींच ऐसी। ये लाइन किधर बनाई भी तूने? T4 teacher। हाँ आई नो T4 teacher। ये लाइन तो बना एक। नहीं, तू भी बना के ले। इधर नहीं, इधर ए साइड। हाँ ठीक है, बना बना बना। वेरी गुड। You are too good. Very good. अभी इसकी ग्रिप हल्की है बहुत ज्यादा, इसीलिए। हाँ बेटा, ओके, टीचर ने बताया। वेरी गुड, टीचर की बात सुना करो। मैम ने बताया। ओके, T4 teacher मैम नहीं। ओके अच्छा हुआ मुझे बता दिया तूने, मुझे पता ही नहीं था मम्मा को। वाह क्या बात है, अगस्त्य तो बहुत इंटेलिजेंट हो गया। हाय बाय। वाओ थैंक यू मम्मा को सिखाने के लिए। ओके अगस्त्य ने मुझे बताया एच ऐसे बना दे। ओके टीचर आपके लिए डॉट बनाती है। ओके नाउ मैं बना देती हूँ ऐसे। ओ डिस्टर्ब कर दिया अगस्त्य को। आ रही हूँ। वेरी गुड। गुड गुड। कोई आया है? तो सीजन कोई भी हो, हमें स्वेटिंग होती जरूर है, एंड दैट इज नॉर्मल। चाहे वो हमारी बॉडी में हो, चाहे अंडर आर्म, चाहे किसी भी इंटीमेट एरिया पे, पूरी बॉडी के। सो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप हाइजीन कैसे मेंटेन करते हो। बॉडी का तो हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, डिओ लगा लेंगे, स्प्रे लगा लेंगे, एंड काफ़ी चीज़ें करते हैं फेस, अपने फेस के लिए एंड बॉडी के लिए। बट हमेशा हम भूल जाते हैं अपने इंटीमेट एरिया, अपने अंडर आर्म्स, इन सारे एरिया को भूल जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एंड ज़्यादा केयर मांगते हैं। क्योंकि कोई भी सीजन हो, जो हमारे इंटीमेट एरिया होता है, हमारे अंडर आर्म्स होते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग से होने वाला बैक्टीरिया जो है वो प्यूबिक हेयर पर ही सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है, जिससे होने वाली बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत ज्यादा इचिनेस होती है। तो इन सारी चीजों का एक ही सलूशन है कि हमें अपनी हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए, स्पेशली हमारे जो इंटीमेट एरिया होते हैं, हमारे अंडर आर्म्स होते हैं, जैसे कि हम अपने फेस एंड बॉडी की रखते हैं, वैसे ही हमें अपने इंटरनल पार्ट्स की भी हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए। तो जो प्रॉपर वजाइनल हाइजीन है उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे? हमें बहुत अच्छे से क्लीन करना चाहिए विद प्रॉपर नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए इंटीमेट वॉश से, जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगी एवरटीन का इंटीमेट वॉश, जो कि अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ओके गाइस, सो अगर आप एवरटीन का नेचुरल इंटीमेट वॉश डेली यूज़ करते हैं और नहीं भी करते हैं तो अभी स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपको बचाता है इन्फेक्शन से, इचिंग से, बर्निंग से,
प्रॉपर वजाइनल हाइजीन इंपॉर्टेंट है वजाइनल इन्फेक्शन से बचने के लिए। एंड जैसे हमें पता है वजाइना है सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी, तो हमें वल्व को क्लीन एंड ड्राई रखना चाहिए क्योंकि बैक्टीरिया वल्व से ही वजाइना में एंटर करेगा। एज आई ऑलरेडी मेंशन यू कैन यूज एवरटीन का नेचुरल इंटीमेट वॉश बिकॉज इसमें है नीम जो हेल्प करता है वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन से बचाने में और उससे होने वाली इचिंग और बर्निंग सेंसेशन से। टी ट्री ऑयल एक पावरफुल शील्ड प्रोवाइड करता है जो हमें बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बचाता है और साथ ही साथ एलोवेरा भी है जो हमारी स्किन को स्मूथ रखता है। सो गाइज गो एंड परचेज दिस इंटीमेट वॉश, लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चल मामा पूजा कर ले बेटा, 6:15 बज गया शाम का। और देखो मेरा गार्डन कह रही हूँ बालकनी कैसे मैंने सेट किया है। ये मैंने अमेजोन से मंगाए इंस्टेंट, ये डबल वाले थे मतलब इसके आगे लग जाता है बट मैंने ऐसे ना लगा के ऐसे लगा दिया, मतलब अलग अलग लगा दिए। इससे है ना स्पेस काफ़ी लग रहा था, साथ में लगाने से फिर ये भरा भरा लग रहा था ये एरिया। और आई वॉन्ट कि चलो बैठें तो थोड़ा पैर फैला के बैठ सकें तो सही था। एक स्टैंड और मंगाना चाहिए था, मतलब जैसे कि ये 1, 2, 3 ये 3 रह गए थे बट कोई नहीं, तुलसी मैया तो मुझे इसी जगह चाहिए थी। ये जैसे कि ये वाला जो प्लांट है ना ये भी खाली हो जाएगा, ये अंदर जाएगा ड्राइंग रूम में, जब ड्राइंग रूम के लिए भी मैंने एक स्टैंड मंगाया है ऐसा वाला नहीं थोड़ा स्टाइलिश। तो ये ऐसी लाइन अच्छी लग रही है, अब इससे ज़्यादा प्लांट्स नहीं लूँगी बिकॉज जगह नहीं है, इतना तो चाहिए कि बैठ सकें, है ना अगस्त्या बैठो। You like it? ये है? ये है? हाँ ये प्लांट है। नहीं उससे हम पानी डालते हैं, हाँ वाटर। वाटर वाटर सन और प्लांट। अब इसके आगे पता नहीं मैम ने इसको क्या समझाया, मैं अपनी थ्योरी नहीं समझाऊंगी, फोटोसिंथेसिस वाली फोटोसिंथेसिस वाली अब जो मैम ने समझाया उसको वही रहना तो दिमाग में। मैम नहीं टीचर, ओके अगस्त्य की मैम कहाँ है? अगस्त्य की मैम क्या पढ़ाया आज अगस्त्य की मैम ने? कोई ये राइम्स पढ़ रहा है, क्विक 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 क्विक। कौन सी राइम पढ़ रहा है, राइमिंग पढ़ रहा है, पोयम। Oh my God, you are too good. इस बात पे तो तुझे प्राइज मिलेगा, ओके? सरप्राइज नहीं प्राइज, सरप्राइज और प्राइज में फर्क होता है, ओके? सरप्राइज हाँ ये वाला होता है बिना बताए, और प्राइज तब देते हैं जब अगस्त्य कुछ अच्छा काम करेगा जैसे कि ये किया अगस्त्य ने, तो इसके लिए प्राइस तो बनता है ना, अगस्त्य जीता, ओके। घर बज गए हैं 6, आप बिलीव नहीं करोगे 2:30 बजे पहुंच गई थी आई क्या 6 बज गए आते आते। ये कि हाँ फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो ज़्यादा टाइम लगेगा कि देखना पड़ता है क्या क्या है, आप सेकंड टाइम अगर सोच के जाओगे कि ये चीज़ें खरीदें तो फटाफट आप ले सकते हो। दूसरी बात आई क्या में बहुत सारी चीज़ें अच्छी दिखी, मुझे सबसे ज़्यादा फर्नीचर बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्रॉकरी थोड़ी सी कॉस्टली है बट क्वालिटी बहुत अच्छी है,
एज कम्पेयर टू ऑनलाइन अमेजोन से भी आप क्रॉकरी ले सकते हो, बट वैरायटी बहुत अच्छी है, लाइक बाउल्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, जो कि ऑनलाइन भी काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। अगर आप बड़े बाउल्स जो होते हैं वन मील खाने के लिए बाउल्स जो होते हैं, काफ़ी अच्छे लगे मुझे ऑल इन वन सब कुछ आई किया में अच्छा था। बस ये है कि टाइम एंड मनी लेके जाओ, यू कैन गेट एवरीथिंग देयर। एंड काफ़ी चीज़ें ऐसी अच्छी लगी मुझे कि खुद का घर होना तो इन्वेस्टमेंट किया जाए वहाँ पे। लाइक आई लव दैट राउंड शेप जो मुझे वहाँ पे राउंड शेप का वो था, शेप कह रही हूँ, शेप का मिरर आई थिंक 6,000 या 7,000 का 5,500 का था। और अगर आप वही मार्केट में लेने जाओ ना तो 10,000-12,000 का पड़े। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, लैम्प्स बहुत अच्छे थे, काफ़ी यूनिक लैम्प थे, सोफ़ा काफ़ी अच्छे थे, मिरर काफ़ी अच्छे थे, क्रॉकरी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश क्रॉकरी थी, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। बट मुझे इतना कुछ खास लेना नहीं था, लैम्प वगैरह काफ़ी पसंद आया, चेयर्स वगैरह, लेकिन जब खुद का घर हो यार तो ही ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए। वो मिरर भी काफ़ी पसंद आया, जो मैं डेफिनेटली लूँगी जब मेरा खुद का घर होगा। एज अ ड्रेसिंग टेबल में आप उसे यूज़ कर सकते हो खुद कस्टमाइज करके, या एज अ एंट्री वे में आप उसे लगा सकते हो। आई थिंक मोस्टली बहुत लोगों के घर में होगा वो मिरर, देरी बेटा देरी, है ना, जो राउंड शेप का है, वो काफ़ी कलर्स में अवेलेबल था। हाँ आई लव ब्लैक में, वुडन में, वाइट में, आई लव दी वाइट वन। तो चलिए मैं दिखाती हाँ हाँ नया नया चलो भाई मैं 3-4 चीजें लाए, मुझे लेना कुछ नहीं था, हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वही राउंड टेबल लेके, ओके तो राउंड शेप टेबल लाई हूँ जो कि ये है। तो वहां पे क्या है, आपको कोई भी चीज पसंद आती है आपने स्क्रीनशॉट लेना है और वो फिर आपको गो डाउन में मिलता है, मतलब वहीं उसी फ्लोर पे मिल जाता है आपको, वो सर्च करना पड़ता है जाके स्क्रीनशॉट लेके। आप जो प्रोडक्ट वहां से ले रहे हो वो पिक नहीं कर सकते हो फर्नीचर में स्पेशली, बाकी क्रॉकरी वगैरह या जैसे छोटी मोटी चीजें होती हैं किचन की वो आप पिक कर सकते हो वहां, स्पेशली फर्नीचर पिक नहीं कर सकते हो, वो आपको स्क्रीनशॉट लेके लेना रहता है। तो ये मैं टेबल लेके आई, इसको असेंबल करके मैं आपको दिखा दूँ मैं क्या लाई हूँ। अब लीव नहीं करोगे, मैं काफी थक गई हूँ, बट मैंने सोचा कि अभी सारा सामान वो खुल के यूज हो जाएगा तो फिर वीडियो नहीं बना पाऊंगी मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो ये लाई हूँ मैं, तो ये एज अ बिन है, आई मीन डस्टबिन बोल सकते हो, लाइक सूखा जो होता है ना थ्रू आउट द डे, आप कुछ कप निकले अगर आपके घर में कूड़ा वगैरह, लाइक स्टेशनरी का या बच्चों का कुछ भी, लाइक कांड हो गया जो राउंड टेबल में वाइट लाने वाली थी ना वो ब्लैक आ गई है, क्या यार मेरा मन खराब हो गया अभी, क्या यार वाइट अच्छी ज्यादा लगती है। तो ये ऐसा बिन है बट डस्टबिन की तरह, बट मैं ऐसा प्लांटर इसको यूज करूंगी इसलिए मैं लेके आई हूँ। काफी अफोर्डेबल था ये, आई थिंक 350 रुपए का था ये, तो ये मैंने ले लिया है, क्वालिटी अच्छी है। हाँ सब मनी का ही है बेटा, ये लेके आया है, ये है मत, तो ये है एक, और ये डॉगी शेप का वो है टिफिन है, इसको काफी अच्छा लगा किसके को, तो ये लेके आया। तो इसमें खाने वाने का तो नहीं, जैसे एक वो होता है ना ड्राई नमकीन या बिस्किट या कुछ भी देना है आपको एक्स्ट्रा में टिफिन में तो दे सकते हो, मुझे लगता नहीं इसमें गर्म खाना कुछ आएगा, देखती हूँ। और एज अ टिफिन जरूरी नहीं है टिफिन यूज करना है, एज अ कुछ भी रख सकते हो इसमें, काफी अच्छा है। उसके अलावा मैं ये ऑयल डिस्पेंस सोप डिस्पेंसर लाई हूँ, काफी अच्छा है ये, 60 रुपए का है। ये लाई हूँ,
काफी यूनिक स्लीक सा ये प्लेट रखने का है रैक, और अच्छा लगा मुझे। आई डोंट नो कितने का है ये नहीं मालूम मुझे। इसमें ये भी बहुत दिक्कत है, वहां पे प्राइस नहीं लिखे रहते हैं। जो रैक रहती है ना, जिसमें मतलब तीन आइटम है एक रैक में, तो वो तीन उठा के वो ऊपर रख देते हैं, उसमें प्राइस लिख देते हैं, तो इतना ध्यान नहीं दिया कितने का है ये। पता नहीं, फिर भी अच्छा है। और ये कप लाई हूँ, ये मुझे याद है क्योंकि ये एक कप 250 रुपए का है, मतलब है थोड़ा सा क्रॉकरी महंगा है बट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है। तीन कप लाई हूँ मैं, एक ये लाई हूँ और ये कॉफी के लिए लाई हूँ, और दूसरा ये दो एक एक जैसे लाई हूँ और एक अलग लाई हूँ, तीन कप। उसके अलावा ये बल्ब लाई हूँ ये मोबाइल स्टैंड है, जो कि ये खाते वक्त मोबाइल पकड़ के रखता है ना, तो ये स्टैंड इस पे रख देंगे तो ये खाते वक्त देख लेगा आराम से, मतलब एक अच्छी दूरी पे रख सकते हैं, हाथ में लेके ऐसे बैठा रहता है। हाँ उसके लिए बेटा, हाँ उसी के लिए, यस बेबी। और ये मैं पीक लाई हूँ क्योंकि ऑयल डालने में बहुत दिक्कत होती है यार, तो ये लेके आई मैं। प्राइस मुझे किसी के नहीं पता है क्योंकि इसमें लिखे ही नहीं रहते हैं। ऑयल के लिए काफी अच्छा है, जब ऑयल डालो ना तो फैल जाता है ये। ये हम लाए हैं चटनी वटनी रखने के लिए, और जैसे और टिफिन में अगर से वो सॉस देनी पड़ती है ना तो उसके लिए, या कुछ और देना है कैंडी वगैरह अगर से, या कोई चॉकलेट बिस्किट वगैरह, तो स्पेशली चॉकलेट बिस्किट के लिए अच्छा है क्योंकि उसको रैपर में देती हूँ ना तो फाड़ने में दिक्कत हो, इसमें एक डाल के दे दिया करूँ। तो ये तीन का सेट है, काफी अच्छा लगा है मुझे, 99 रुपीज का है। उसके बाद मैं ये लाई हूँ ट्रॉली वाली, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी यार, ये काफी चीजों के लिए है, और ये 345 की है विदाउट लिड, और नहीं लिड के साथ 345 की है, काफी अच्छी लगी है इसमें। और ये इसमें पहिए भी लगे हैं, इसमें आप अपने कपड़े रख सकते हो, एक्स्ट्रा वाले लॉन्जरीज रख सकते हो, बच्चों की टॉयज रख सकते हो, और आपका बेबी रूम है तो काफी चीज। हाँ नहीं 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 बेटा, नहीं टॉयज के लिए नहीं है, तेरे लिए नहीं है। मैं तो पता है क्यों लाई हूँ, मैं अपनी क्रॉकरी रखने के लिए लाई हूँ, जो थोड़ी सी है ना मेरे पास क्रॉकरी इतनी सी, कुछ बाउल्स हैं, कुछ आइसक्रीम बाउल्स हैं, कुछ कप हैं, वो इसमें रखूंगी क्योंकि वो बास्केट में रखी हूँ मैं। क्योंकि मैं बास्केट में रखी हूँ, और जिसको पॉलिथीन चढ़ा के आपने देखा होगा किचन में, तो आई विल कीप इन दिस। और ये काफी मतलब मल्टीपर्पज यूज है ये, मैं मेरा बस चलता में दो ले आती हूँ, नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो एक बार ले आऊंगी टॉयज के लिए, अगस्त्या के लिए, बट अभी मैं अपनी क्रॉकरी के लिए लाई हूँ। इसके टॉयज के लिए जरूरत नहीं है बिकॉज इसके पास टाइम ही नहीं रहता है खेलने के लिए, ऑलरेडी स्कूल वगैरह जाता है ना तो टीवी ज्यादा देखता है, टॉयज इतना खेलता नहीं है। तो ये थी मेरी शॉपिंग, बताना कैसी लगी आज की शॉपिंग, और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करना, आपको मेरी शॉपिंग में से क्या अच्छा लगा बताना। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को प्लीज़, सभी लोग से विनती है, रिक्वेस्ट है, काफ़ी दिन हो गए रिक्वेस्ट नहीं करी कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को। एंड मिलती हूँ मैं आपसे कल फिर एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप कनेक्टेड विद मी ऑलवेज, ओके।